फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 45। 12, 18 और 45 का एलसीएम क्या होगा? अब एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, और वो जो संख्या आएगी वो एलसीएम कहलाएगी। अब एलसीएम किस तरह से निकालते हैं? एक लाइन हम खड़ी खींचते हैं और एक लेटी हुई खींचेंगे और ये संख्याएं उसके अंदर लिखेंगे, 12, 18 और 45। अब ये तीनों संख्याओं में से कोई भी संख्या जो छोटी से छोटी संख्या से कटती है, अब वो संख्या कौन सी है अपने पास? 2 से। अब 2 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी और ये भी संख्या विभाजित हो जाएगी, तो 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 18, 45 नहीं हो रहा तो ये 45 यूँ पर लिखेंगे। अब कौन सी संख्या से विभाजित होती हैं छोटी से छोटी संख्या से? 2 से। अब 2 × 6 विभाजित हो जाएगा तो 2 × 3 = 6, 9 नहीं हो रहा है तो ये यूँ कहीं लिखेंगे, 45 भी नहीं हो रहा है ये भी यूँ कहीं लिखेंगे। अब 2 से विभाजित नहीं हो रही इनमें से कोई भी संख्या, तो हम क्या करेंगे? अब 3 से विभाजित करेंगे। अब 3 × 3, 3 × 3 = 9, और 45 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। अब ये फिर 3 से विभाजित हो रही है, अब ये 1 यूँ कहूँ, 3 × 3, और 15 को यदि हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब किस संख्या से विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। अब ये 1 यूँ कहूँ, ये 1 यूँ कहूँ, और 5 × 5। अब नीचे अपने पास जो है सभी में 1 बचा हुआ है। अब इन संख्याओं की यदि हम गुणा कर देंगे तो इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या आएगा इसका? 2 × 2 × 3 × 3 × 5, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब इन सभी को गुणा कर देंगे तो इसका एलसीएम आएगा। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36 और 36 × 5 = 180। अब 180 इसका एलसीएम आ जाएगा।